मास हैं, अलग अलग एम ए और एम बी है, हैंग फ्रॉम द स्ट्रिंग, टू स्ट्रिंग है, एल ए और एल बी इनकी लेंथ है, दे आर एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, और उनका जो फ्रीक्वेंसी का रिलेशन है दिया हुआ है, तो लेंथ का रिलेशन निकालना है। अब चलो, अब बेसिकली इस क्वेश्चन को करने के लिए जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग से मैं एक मास एम अटैच कर दिया, मेरी मर्जी, मैं ब्लॉक सर्कुलर कैसे भी रहें। तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम 2πL/g होता है। अब टाइम पीरियड जो है, और फ्रीक्वेंसी अगर लिखोगे तो फ्रीक्वेंसी इज 1/2πg/L अंडर रूट, ऐसा होता है, बहुत पहले से होता आ रहा है। तो फ्रीक्वेंसी लेंथ से कैसे प्रोपोर्शनल है, बोलो। फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल अंडर रूट। अब इसी को पहले केस के लिए फ्रीक्वेंसी ए में बराबर है 2 times फ्रीक्वेंसी बी का, तो ए का फ्रीक्वेंसी डालो यहाँ, तो 1/2πg और लेंथ, ए का लेंथ अंडर रूट और 2 और 1/2πg और जी और लेंथ बी का लेंथ अंडर रूट। अब इन दोनों का स्क्वायर करके स्क्वायर कर दोगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, जी भी ख़त्म हो जाएगा, रूट भी ख़त्म हो जाएगा, तो 1/LA इज इक्वल टू 4 times LB, मतलब एल बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो 4LA के इक्वल आ जाएगी, या LA इज इक्वल टू 1/4B, मतलब ए ऑप्शन सही है, क्लियर है। चलो,